नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने खुले में चिकन और दूध बेचने वाले रेस्टोरेंट और दूध की डेयरियों पर की छापेमारी। आपको बता चलें, जनपद रामपुर में शाबाद गेट स्थित खाद्य विभाग की टीम ने नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की। इस मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दूध की डेयरी और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि शाबाद गेट स्थित करीम होटल पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा होटल में काफ़ी कमियां मिली, साफ सफाई नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस पर भी चेक किया गया, साथ ही खाने में कुछ कमियां थी, उसके सैंपल ले लिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दूध की डेयरियों पर भी कार्रवाई की गई है, ये लोग आगे रखकर बेच रहे हैं जिससे आमजन को काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं अब आइए सुनते हैं खाद्य अधिकारी सुनील कुमार शर्मा और क्या कह रहे हैं। कितने लोगों पर कार्रवाई किसकी तरफ से की गई? आज नगर मजिस्ट्रेट महोदय के नेतृत्व में और ईओ साहब भी हैं नगर पालिका के और हमारी फूड एंड ड्रग की टीम है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं या डेयरी हैं वो अपनी दुकान की हद से बाहर निकल के काउंटर लगा रहे हैं, जिससे कि मतलब आम जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसमें एक है करीम जायका चिकन कॉर्नर, उसकी दुकान का आज निरीक्षण किया गया है। करीम जायका चिकन कॉर्नर का मालिक जो इब्राहिम है, उसको कई हम लोगों ने जो सवाल पूछे तो वो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। उसके किचन में भी काफ़ी कमी है, तो इसके आधार पर उसके चालान करके आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों का चालान करा? लगभग अभी तो दो लोगों का ही हुआ है और बाकी और जिधर टीम जाएगी कार्रवाई होगी। लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अपील ये है कि एक तो शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थ बेचें, शुद्धता के साथ बेचें, आम जनमानस को शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराएं, और दूसरा जो लाइसेंस के नियम और शर्तें हैं उसका अनुपालन करें। ये कहाँ पर रेस्टोरेंट है? ये शाहबाद गेट के पास है, करीम जायका चिकन कॉर्नर, इस पर कार्रवाई हुई है।